सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ये कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उनको हम याद करेंगे। अगर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसे हम आसानी से सोल्व कर सकें। ये तो आप सभी जानते हैं भाई, अगर हमें किसी सम का अगर फॉर्मूला याद है तो उसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक उसे जरूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमने जैसे वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप, आयत का क्षेत्रफल परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन है, शंकु का आयतन, गोले का आयतन और अर्ध गोले का आयतन, घनाभ का आयतन और घन का आयतन और घनाभ का आयतन, इनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो ये सूत्र आने बहुत ही जरूरी है ताकि उसे हम आसानी से कर सके और हमें पूरे से पूरे मार्क अच्छी तरह से मिल सके। तो देखो, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो जीवन के अंदर हमें सक्सेस होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम सक्सेस होंगे तो हमें पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है, सक्सेस होना चाहते हैं तो। तो आप कमेंट करके जरूर बताना भाई आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करना, न लगती है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपसे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आपको वीडियो शुरू से लेकर आप अंत तक उसे जरूर देखना ताकि आप उसे आसानी से सीख सके। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या लगाते हैं, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें फॉर्मूला लाएंगे हम, भुजा गुना भुजा। जितनी भुजा होगी हम भुजा के साथ हम भुजा को इसमें गुना कर देंगे। आगे है हम वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप क्या होता है, जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं उसे हम परिमाप भी कहते हैं, परिधि भी कहते हैं। तो इसमें लगेगा भुजा गुना चार, भुजा गुना चार इसमें हम डालेंगे। आगे है आयत का क्षेत्रफल। आयत हम किसे कहते हैं, उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे हमारे पास ये भुजा है और हमारी ये भुजा है, इस भुजा के बराबर वो भुजा है, इस भुजा के बराबर हमारी ये भुजा दी गई है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हम क्या लगाते हैं इसमें, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना हम क्या डालेंगे इसमें, फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई हम रखेंगे। आगे हम आयत का परिमाप लगाते हैं, क्योंकि हमें सभी इनकी क्या होती है, इन सभी भुजाओं का हमें क्या निकालना होता है, जोड़ निकालना होता है, तो उसे हम परिमाप कहते हैं, जिसे हम पैरामीटर भी बोलते हैं। तो इसमें डालेंगे हम 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस इसमें चौड़ाई फॉर्मूला। आगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज आ जाती है, समकोण जिसमें 90 डिग्री का अगर एंगल बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसमें हमारे पास इसमें फॉर्मूला आएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना इसमें ऊंचाई डालेंगे। आगे हमारे पास है बेलन। बेलन बेलन हम कैसे याद करते थे, जैसे ये स्केच पेन है, ये मार्कर है, तो जैसे अगर ये ऐसा होता है तो इसे हम बेलन बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, ये बेलन के आकार की होती है। तो उसे हम, अगर ऐसे हमारे पास कोई भी वस्तु है तो उसे हम बेलन कहेंगे। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, आयतन क्या लगाएंगे इसके अंदर हम, पाई आर की 2h, मतलब पाई आर स्क्वायर h। जितनी हमारे पास रेडियस होगी, आर मीनिंग क्या होता है, रेडियस, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आगे हम डालेंगे शंकु का आयतन। शंकु कैसा होता है, शंकु जैसे जोकर की टोपी होती है, जोकर की टोपी होती है वो क्या होती है, उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शंकु के आकार की होती है। तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम इसमें सूत्र है 1/3 पाई आर की 2h, 1/3 पाई आर क्या होता है इसके अंदर रेडियस, और पाई की हमें वैल्यू कितनी रखनी होती है इसके अंदर, अगर दे होती है तो हमें 3.14 रखते हैं, नहीं हम 22/7 इसमें वैल्यू इसके अंदर रखते हैं। आगे हम लगाएंगे इसमें गोले का आयतन। गोला क्या होता है, जैसे टमाटर है, प्याज है, लड्डू है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे गोला, जिसको हम स्फीयर बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं।
तो इसको हम इंग्लिश में कोन कहते हैं, शंकु को हम इंग्लिश में कोन कहते हैं, और बेलन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। इसमें हम डालेंगे 4/3, 4/3 पाई आर की 3, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ऊंचाई नहीं होती है, तो इसमें ऊंचाई हम इसमें नहीं रखेंगे। भाई 4/3 पाई की वैल्यू बताया, 22/7 या 3.14 हम रख सकते हैं, और जितनी रेडियस जिसकी त्रिज्या होती है उसकी हम पावर 3 है, तो उसको हम 3 बार इसमें रखेंगे। आगे है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन हम क्या लगाते हैं, जैसे हमारे पास पूरे गोले का आयतन इसमें 4/3 पाई आर की 3 लगाते हैं हम इसमें, तो उसका हम आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो इसमें कितना लगेगा, 2/3 पाई आर की 3, 2/3 पाई आर की 3 इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। आगे हमारे पास घन का आयतन। घन किसे हम किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी जो समान होती है उसे हम क्या के बोलते हैं, उसे हम घन कहते हैं। तो घन का आयतन इसमें क्या लगाएंगे, जितनी मतलब हमारे पास उसकी जो भुजा दी गई होगी उसका हम 3 कर देंगे, या तो जैसे हम एल की 3 लगा सकते हैं, ए की 3 लगा सकते हैं, तो जितनी हमारे पास उसकी जो भुजा दी गई उसको हम 3 बार रखेंगे, उसकी हम गुणा कर देंगे। आगे जैसे दिया गया हमारे पास इसमें घन का आयतन, तो हम घन किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, जिसमें लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। घनाभ का आयतन इसमें हम लगाएंगे लंबाई या एल गुणा बी गुणा एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसको हम क्या कहते हैं, एल गुणा बी गुणा एच भी कह सकते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। अगर आप एग्जाम के अंदर आते हैं तो हमारे ये फॉर्मूले हमें याद होने बहुत ही जरूरी है, ताकि हम किसी भी सब को आसानी से कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिले। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।